हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बेसिकली कंट्रीज की। यदि आप इसके मैप की बात करें तो जो ये मैप है इसकी मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है, तो आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो फाउंडिंग मेंबर की यदि बात करें तो इंडिया, ईरान और तीसरे नंबर पर है रशिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है रशिया और ये है फाउंडिंग मेंबर इंडिया, और यदि यहाँ पर ये वाला यदि आप देखेंगे तो ये है ईरान। ये तीनों बेसिकली फाउंडिंग मेंबर है, बाकी जो बाद में मेंबर जुड़े हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो पहले है अजरबैजान, आर्मेनिया और कजाकिस्तान। अजरबैजान यदि देखें तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये पूरा है अजरबैजान, और ये जो दिख रहा है ये वाला है जो वो है कैस्पियन सी। तो अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी को ओपन होता है, तो ये है अजरबैजान। अर्मेनिया की बात करें तो यही जो छोटा सा यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है इसी से ये जो है ये है अर्मेनिया। ये जो गुलाबी कलर में दिख रहा है आपको ये है अर्मेनिया। ये है पूरा कजाकिस्तान जो कि चाइना से रशिया से बॉर्डर शेयर करता है और चाइना और मंगोलिया से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये है कजाकिस्तान मैप में। उसके अलावा ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये है किर्गिस्तान जो कि भी एक मेंबर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। और ये जो आपको छोटा सा ये जो गुलाबी कलर में आपको दिख रहा है ये है तजाकिस्तान जो कि शेयर बॉर्डर कर रहा है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और इधर यदि बात करें तो अफगानिस्तान से और इधर तर्किमिस्तान से। और टर्की भी इसका एक मेंबर है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर टर्की है, टर्की भी इसका एक मेंबर है। और सीरिया जो ये लाल रंग में आपको दिख रहा है ये सीरिया भी इसका एक मेंबर है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा दिख रहा है ये बेलारूस, बेलारूस भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक मेंबर है। और यदि उसके अलावा बात करें तो ये जो यूक्रेन जिसका अभी रशिया से युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन भी इसका एक मेंबर है। उसके अलावा यदि ओमन, ओमन जो है ये जो यहाँ पर दिख रहा है जो कि अरेबियन सी और यहाँ पर जो गल्फ ऑफ ओमन और यमन और सऊदी अरेबिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो ओमन भी इसका एक मेंबर है। तो यदि आप टोटल देखें तो 3 और 5 8 और 5 13 लगभग लगभग, और एक है बल्गेरिया, बल्गेरिया जो है कि एक ऑब्जर्वर मेंबर है, ये देखिए ये है एक बल्गेरिया। तो टोटल यदि देखें तो 13 मेंबर और एक ऑब्जर्वर कंट्री है। तो ये मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाएंगे। और अभी अभी ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि रशिया जो है उसने एक वुड एक्चुअली एक कंटेनर में ट्रांसपोर्ट करके मुंबई में भेजा है। यहाँ पर है मुंबई और यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सो जो कि अभी हमारे भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, वहां पर भेजा है, जिस वजह से ये चर्चा में है। और बात करें इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रांसपोर्ट तो इस रूट की मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मैप के साथ।